अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात के चिंता में पड़े हुए हैं कि आरएसएस बीजेपी के लोग संविधान बदलने वाले हैं। मैं जब तक हूं कुछ नहीं हो पाए, मैं जब तक हूं ना, हाँ मैं जब तक हूं संविधान बदलने का, अरे ये आरएसएस बीजेपी के गांडू लोगों का खेल नहीं है संविधान बदलना, इनके बस की बात नहीं है। ये बकवास करते रहते हैं, मुंह का भाप निकालते रहते हैं। मैं हूं वो ऐसी चर्चा करते रहने से एक काम हमारा करते हैं, जो बात मैं अपने लोगों को कहता हूं मेरी बात सुनते नहीं हमारे। जब आरएसएस के लोग संविधान बदलने की बात करते हैं तो लोग मेरे पास आते हैं, मिश्रा जी वो संविधान बदलने वाले, तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, नहीं उसका विरोध करना चाहिए। मैंने कहा अकेले विरोध करना चाहिए, नहीं नहीं संगठित रूप से करना चाहिए। तो तुम क्या कर रहे हो, मैं तो 47 साल से संगठन कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो? नहीं अभी मैं भी आपका साथ देता हूं, हाँ इधर आ जा, तू अलग 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 है, इससे नहीं होगा, इधर आ जा। मैं इन लोगों का बंदोबस्त करता हूं, ये दूसरे लोगों के बस की बात नहीं है, ये मैं इन लोगों का बंदोबस्त कर सकता हूं। भारत भर में किसी के पास कोई संगठन नहीं है, गली मोहल्लों का संगठन इसको रोक लगाने में कामयाब नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर का संगठन चाहिए, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन चाहिए। अरे चार चार बार भारत बंद कर चुका हूं, सरकार बीजेपी की, सरकार आरएसएस की, प्रधानमंत्री आरएसएस का, बहुमत 303 का बीजेपी का, आरएसएस का, कई राज्यों के विरोधी पार्टी के नेता बीजेपी आरएसएस के, 17 राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी आरएसएस के है, और भारत बंद वामन में से, ये सब उनका है मगर भारत बंद मेरा है, देख लेना। तो उनको बड़ा दुख होता है, साला प्रधानमंत्री हमारा, सरकार हमारी, विरोधी पार्टी कई राज्यों के नेता हमारे, कई हजारों हमारे एमएलए हमारे, मंत्री हमारे, कैबिनेट मिनिस्टर हमारे, इतने सारे हमारे, मगर फिर भी भारत बंद को अमन में चला का, बड़ा दुख होता है। वो संविधान बदलने की बात करके आपको दुखी करते हैं, मैं भारत बंद करके उनको दुखी करता हूं। तो ये इतने साल लगाकर इतनी बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण किया है, तो संगठित शक्ति से बड़ा बदलाव होगा, और कोई संविधान को बदलने की बात नहीं कर सकता, और बात करेगा तो हमारा नुकसान नहीं करेगा। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को मुझे फिर ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, क्या समझाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही बोलेगा मेश्राम जी वो संविधान बदलने वाले, विदा इधर आ जा भाई, उधर इधर आ जा, वो जितना संविधान बदलने की बात करेंगे उतना हमारा संगठन बढ़ेगा। तो मेरा काम कर रहा है आरएसएस का आदमी, मेरा काम कर रहा है बीजेपी का आदमी, मेरा काम कर रहा है विश्व हिंदू परिषद का आदमी। मैं समझाता हूं, मेरे लोगों के समझ में नहीं आता, मगर जब वो पिछवाड़े पे लात मारते हैं तो मेरे पास आते, मेश्राम जी आप ही इनके लिए जवाब। तो मैं तो पहले से कह रहा हूं भाई, ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है, ये मेरे ही बस की बात है, इन लोगों को पिछवाड़े पे कैसे ठीक करना है मैं जानता हूं। इसलिए अब हमारे पास जैसा बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं ना कि मैं बहुत मुश्किलों को ही, मुश्किलों से इस आंदोलन को यहां तक लाया हूं, और तुमसे बनता है तो इसे आगे ले जाओ, नहीं बनता है तो जहां है वहां रोक के रखो, अब ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत विशाल आंदोलन खड़ा हो गया है, भारत बंद करने तक हम लोग फैल गए हैं, इसलिए
अब आपको संविधान बदलने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात कह के समाप्त करते हैं। आप लोग सोचेंगे कि वामन मेश्राम ने तो वादा कर लिया कि अभी संविधान वो बदलने नहीं देगा, तो अब हमें कुछ करने की क्या जरूरत। हमारे लोगों की सारे सोचने का बड़ा तरीका है, हमारे लोगों के सोचने का, क्योंकि हमारे लोगों को मैं नहीं जानता हूं तो फिर कौन जाने। पिछले 47 साल से हम इन्हीं लोगों के बीच में रहते ही काम करता हूं, तो हमारे लोगों को सोचने का तरीका क्या। अब तो वामन मिश्रा ने गारंटी दे दिया, तो हो नहीं सकता, उन लोगों को बदल नहीं सकता, अब कुछ करने की जरूरत क्या है। करने से होगा, ये बात करने से होगा, रोकने से होगा। आप अपने आप को तैयार तो करो ही करो, समाज के और लोगों को जो किनारे पर खड़े होकर देखने का, तमाशा देखने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को जगाओ, उनको तैयार करो और इस आंदोलन के पीछे शक्ति बनकर खड़ा होने के लिए तैयार करो। जब आप ऐसा करोगे तो इन लोगों के ईंट से ईंट बजाऊंगा। एक ईंट का जवाब बीजेपी आरएसएस, एक ईंट का जवाब, कहावत है, दो पत्थर से देंगे है? ये कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये हमने चेंज कर दिया, एक ईंट का जवाब दो पत्थर से देंगे। वन टीट प्या, वन टीट फॉर टू टैप, नॉट सिंगल टैप, वन टीट फॉर टिट फॉर टैट, नहीं बमाना बदल गया, वन टिट फॉर टू टैट। एक ईंट का जवाब दो पत्थर से देंगे। आप लोग इसी तरह से शक्ति बनकर अगर खड़े रहते हो तो इनका बंदोबस्त करेंगे, और इनका बंदोबस्त करने के लिए आप लोग साथ सहयोग करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, धन्यवाद।